देवों के देव महादेव को सावन का महीना बेहद प्रिय है और पूरे महीने भोलेनाथ का विधि विधान से पूजा की जाती है। भोले को खुश करने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर शिव के दर पर पहुंचे हैं और शिव की पूजा उन्हें खुश करने के जतन में जुटे हुए हैं लोग। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। भस्म आरती की ये तैयारी, सावन की शिवरात्रि है आज। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जो है भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। ब्रह्मा मुहूर्त से में ये रुद्राभिषेक किया गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जो है भगवान भोलेनाथ की जो है श्रृंगार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नेहा केशरवानी जुड़ी हुई है। नेहा, तस्वीरें दिखाइए हमें लाइव, वहां पे क्या कुछ माहौल है और कितनी भीड़ जो है भक्तों की उमड़ रही है। हाँ बिल्कुल, सावन में पड़ रही शिवरात्रि का खास महत्व है और शिवरात्रि के दिन ही जो है खास मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाती हूँ। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के जो है शिवालय में यहाँ पर स्थित हूँ। ये सज्जू जात जो है महादेव हैं, इनकी पूजा अर्चना यहाँ पर हो रही। बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर माना जाता है। रायपुर शहर के आकाशवाणी के सामने ये मंदिर है। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और लगातार भक्त जो है यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। खास तौर से यहाँ पर हमें पुजारी जी ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में आज जो है भगवान शिव की जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी, उनका विशेष श्रृंगार भी किया गया था। भस्म के द्वारा जो है उनका श्रृंगार किया गया था। चलिए इस प्राचीन मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी जी से भी जानते हैं। पुजारी जी, आज शिवरात्रि भी है, क्या खास महत्व होता है? शिवरात्रि में दीदी भोलेनाथ का विशेष दिन होता है। सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन बहुत हर्ष का उल्लेख है और शिवरात्रि के समय जो भक्त भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि ऐसा त्यौहार बार बार नहीं आता है और आज के दिन पूजा करने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ये हम अभी सज्जू जात महादेव की मंदिर में हैं, इनके बारे में भी बताइए, कब इनकी स्थापना हुई थी और कैसे? अब ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है और काफ़ी समय हो गया है, इनकी बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर भक्तों की बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी रहती हैं। बड़े दूर दूर से भक्त लोग यहाँ आते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा याचना करते हैं और मनचाहा वरदान लेते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बहुत प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। क्योंकि शिवरात्रि में भी पूजन का खास महत्व होता होगा, पूजा विधि भी बताइए। पूजा शिवरात्रि में यहाँ 4 बजे होती है, अभिषेक होता है बाबा का, तो दूध दही गंगा जल शहद शक्कर से बाबा का अभिषेक नहलाया जाता है, अभिषेक किया जाता है और रुद्री पाठ किया जाता है। 5 ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ होता है और भस्म द्वारा श्रृंगार करके बाबा की भव्य आरती की जाती है। अब बिल्कुल नेहा केशरवानी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फौरन लौटेंगे। इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता भोपाल से अमृतांशी जोशी जुड़ गए। अमृतांशी, क्या कुछ नजारा वहां पे, क्या कुछ माहौल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज महाशिवरात्रि के साथ सावन का जो ये पर्व पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा खास है और यहाँ पर मंदिरों में जो है महिलाएं जो हैं वो पूजन अर्चन करने भी पहुँची हैं और आप देख रहे हैं कि वो लगातार जो है भगवान शिव के शिवलिंग की जो है यहाँ पर अभिषेक करती हुई नज़र आ रही हैं। दूध दही जल से यहाँ पर जो है लगातार अभिषेक किया जा रहा है और खास जो है पूजन अर्चन किया जा रहा है क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि पड़ती है और ये मासिक चतुर्दशी की अगर हम बात करें तो मासिक चतुर्दशी के हिसाब से आज सावन की शिवरात्रि है। आप यहाँ पर पूजन कर रही हैं, आज शिवरात्रि की भी खास संयोग है, क्या कुछ विधि है आज खास पूजन की? आज बहुत बहुत कुछ, आज तो शिवरात्रि की बहुत अच्छी शुभकामना है, बहुत अच्छी भगवान की कृपा रहती है इसमें सब। किस तरीके से, किन चीज़ों से आप अभिषेक कर रहे हैं पूजन? दूध दही वगैरह और सब स्ट्रॉबेरी घी शक्कर
सब्जी से पूजा करते हैं उसे, घी शक्कर और दूध दही से यहाँ पर जी। हाँ जी, आप यहाँ पर पूजन करिए, मैंने देखा भी आप जल चढ़ा रही थी, दही भी आप लेकर आई हैं, और क्या कुछ खास है ये शिवरात्रि, क्योंकि अलग है जो एक शिवरात्रि साल भर में पड़ती है उससे? नहीं, हर महीने की शिवरात्रि है ये, हर महीने आती है, मतलब अमावस के पहले आती है, शिव चतुर्दशी कहलाती है ये क्या, और ये सावन की शिव चतुर्दशी का बड़ा महत्व रहता है। तो यहाँ क्या कुछ खास है, आज भी व्रत रखा जाता है जैसे सोमवार? रखने वाले आज भी रखते हैं, और जो नहीं रख पाते हैं वो पूजा करते हैं। आप लोग यहाँ पर चंदन भी लगा रहे हैं, शहद से आप यहाँ पर शिव जी का अभिषेक करते हैं? तो वो पंचामृत से अभिषेक होता है उनका, दूध दही शहद घी शक्कर इन सब से। देखिए पंचामृत से अभिषेक होता है, आप देखिए यहाँ पर जो है शिव जी को यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, और बेलपत्र के साथ साथ उनका जो है शहद दही पंचामृत जो होता है दूबा यहाँ पर चढ़ाई जा रही है, दूबा यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो चढ़ा रही हैं। और यहीं पर यहाँ पे कहना है कि हर महीने ये जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है, आज ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि ये सावन की शिवरात्रि है। यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे भी जल चढ़ाने पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखिए सावन की शिवरात्रि है तो मौका खास है, यहाँ पर बच्चे सुबह सुबह जल चढ़ाने पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे पहुँच रहे हैं, और आप देखिए वो जल भी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए स्कूल ड्रेस में यहाँ पर पहुँचे, ये काफ़ी खास एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि स्कूल जाने से पहले यहाँ पर जो है वो जल चढ़ा रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। बेटा आप स्कूल जाने से पहले यहाँ जल चढ़ाने आए हैं, आज शिव जी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं? यस। कैसा है आप लोग, क्या कुछ मनोकामना लेकर आए हैं शिव भगवान के पास? मेरी मनोकामना है कि मैं अच्छे से पढ़ूँ और आगे बड़ा होके आर्मी बॉय बनूँ। आर्मी बॉय बनूँ, देखिए यहाँ पर जो है खास मनोकामना है भगवान शिव के पास सावन के महीने में लोग लेकर पहुँचते हैं, और उनको भी पूरा भरोसा होता है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप ये बेलपत्र देखेंगे, खास इस पर बेलपत्र पे कुछ लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है बेलपत्र पे, देखिए ओम का साइन बनाकर यहाँ पर जो है यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो है भगवान शिव जो है सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, शिवरात्रि का ये खास पर्व है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, इसको लेकर यहाँ पर जो लगातार जो भक्तों की भीड़ वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर शिवरात्रि के साथ साथ सावन का खास सहयोग खास मौका मंदिरों में भक्तों को खींचकर लेकर आ रहा है, और सैलाब हर मंदिर में लगभग अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो उमड़ रहा है। जी बिल्कुल वृतांशी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। चलिए नेहा किशोरवानी के पास वहीं लौटते हैं। नेहा किशोरवानी, बारिश को लेकर जो है अभी मध्य प्रदेश में आफत पैदा हो गई है, तो बारिश को लेकर और सुरक्षा को लेकर जो है क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मंदिरों में? हाँ बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करते हैं, चूँकि बारिश का मौसम है इसलिए भी यहाँ पर मंदिरों में व्यवस्था तो की गई है, लेकिन रायपुर राजधानी में देखा जा रहा है कि यहाँ पर अभी बीते दो दिनों से जो है बारिश कम हुई है, इसके लिए यहाँ पर लोग भक्तों के लिए ये सुविधा हो गई है, मंदिर के भी आपको दर्शन कराते जाती हूँ और भक्तों से भी जो है आपको बात कराते जाती हूँ। यहाँ पर भक्तों को मैंने देखा है, मैडम आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप काफ़ी पूजा विधि विधान से कर रही हैं, कितना महत्व मानती हैं आप? प्लीज आरती तो चले, यहाँ पर अभी जो है आरती पूजा और यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि गर्भगृह में है हम, और ये मंदिर थोड़ा सा गर्भगृह होने के नाते यहाँ पर हम दूसरे लोगों से भी और बात करते हैं। सर आप बताइए, सावन के महत्व को कितना समझते हैं आप, चूँकि आज सावन में शिवरात्रि भी पड़ रही है? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी को सावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि वैसे भी बहुत पर्व है और सावन का महीना भी चल रहा है, क्योंकि शिव बाबा भोलेनाथ जी हैं और वो सभी भक्तों के, जैसा कहा जाता है कि वो बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं और प्रार्थना जो है इनकी एक बार में ही कबूल हो जाती है, और इसलिए सावन का महीना बहुत पवित्र माना गया है। इसलिए सभी भक्त चाहते हैं कि वो अपनी मनोकामनाएं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, वो भोलेनाथ जी के पास दरबार में रख देते हैं, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो। आपकी भी मनोकामना होगी, कुछ पूजा विधि होगी आपकी, आपने कैसे की? बस जैसे आप साधारण करते हैं पूजा विधि, भगवान भोलेनाथ जी को एक जल चढ़ा के, क्योंकि भोले बाबा तो जो है भाव के भूखे हैं, वो सिर्फ एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, और हम तो चाहते हैं कि सभी भक्तों की वो जो मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं और सभी भक्तों की जो है समस्याएं वो जो है उनको दूर करें। बिल्कुल नेहा केशरवानी, तो आज ये लाइव तस्वीरों से ही बयान हो रहा है कि श्रद्धालु कितने खुश हैं, और देखिए सावन का महीना जो है भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत प्रिय माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा केशरवानी और अमृतांश जोशी हमें लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए।